यह एक जन्मजात रोग है जिसमें रीढ़ की हड्डी एवं रीढ़ की नस ठीक ढंग से नहीं बन पाती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर गौरव कुलवाल, कंसल्टेंट न्यूरो एंड स्पाइन सर्जन, मणिपाल हॉस्पिटल जयपुर। आज हम बात करने जा रहे हैं स्पाइना बाइफिडा के बारे में। यह जन्मजात रोगों का एक समूह है जिसमें रीढ़ की हड्डी एवं रीढ़ की नस का उचित रूप से विकास नहीं हो पाता है, जिससे कि वो जन्म के बाद भी असामान्य बनी रहती हैं, जिसके कारण रीढ़ की नस सही ढंग से कार्य नहीं कर पाती है, जिसके कारण मरीज को विभिन्न तरह के लक्षण हो सकते हैं। स्पाइना बाइफिडा को बहुत सारे कारणों से जोड़ा गया है। सबसे पहले महत्वपूर्ण कारण है गर्भधारण के दौरान माता में फॉलिक एसिड की कमी होना। फॉलिक एसिड की कमी अगर माता में होती है तो जो बच्चे का जब इनिशियल डेवलपमेंट होता है उसमें जो नर्वस सिस्टम है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाता, जिसके कारण न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स या स्पाइना बाइफिडा होता है। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि गर्भधारण के दौरान, पर्टिकुलरली इनिशियल पीरियड में, माता के शरीर में फॉलिक एसिड की कमी ना हो। फॉलिक एसिड उचित मात्रा में माता को दिया जाए ताकि बच्चे में जो न्यूरॉन्स का डेवलपमेंट है वो प्रॉपर हो, स्पाइना बाइफिडा की जो रिस्क है वो कम से कम हो सके। इसके अलावा माता में मोटापा होना, डायबिटीज़ होना, धूम्रपान करना या विकिरण या रेडिएशन का एक्सपोज़र होना, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट कारण है स्पाइना बाइफिडा के होने में, जिनसे जहाँ तक हो सके बचाया जाना चाहिए। इसके अलावा कुछ दवाएँ जैसे कि सीज़र या मिर्गी के लिए काम आने वाली दवाएँ वैलप्रोइक एसिड, कार्बेमेज़ेपिन आदि को भी इसमें कारक पाया गया है। जहाँ तक संभव हो सके प्रेगनेंसी के दौरान इन दवाओं से भी बचा जाना चाहिए, ताकि हम स्पाइना बाइफिडा का होने का दर है उसे कम से कम कर सकें। स्पाइना बाइफिडा, जैसा कि हम जानते हैं, काफ़ी तरह के होते हैं। स्पाइना बाइफिडा का लक्षण इसके प्रकार पे निर्भर करता है। जैसे कि पहला प्रकार है ओपन स्पाइना बाइफिडा, जिसके अंदर की जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो एक्सपोज होती है, मतलब उसके ऊपर त्वचा का आवरण नहीं होता है। तो यह जन्म से ही तुरंत पहचान में आ जाती है, क्योंकि जन्म से ही जो बच्चे की जो कमर होती है वहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड नज़र आती है, एवं उसके ऊपर कोई स्किन का आवरण नहीं होता है, एवं उससे पानी जो कि CSF जो कि नॉर्मली प्रवाहित होता है स्पाइनल कॉर्ड में, वो भी वहाँ से रिस रहा होता है। तो ये तो जन्म से ही तुरंत पकड़ में आ जाता है, एवं इसको गर्भावस्था के दौरान भी अगर उचित तरीके से जाँचें अगर कराई जाती हैं तो ये गर्भावस्था के दौरान भी पकड़ में आ जाता है। दूसरा जो प्रकार है, जो कि स्पाइना बाइफिडा ऑकल्टा या हिडन, जो छुपा हुआ रूप है, जिसमें कि त्वचा का आवरण तो नॉर्मल होता है लेकिन अंदर बनावट में स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी एवं रीढ़ की नस की बनावट में एबनॉर्मलिटी होती है, लेकिन स्किन ऊपर से सामान्य नज़र आती है। हालांकि स्किन में भी कुछ असामान्यताएँ हो सकती हैं जिसके आधार पर स्पाइना बाइफिडा का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा फैट स्किन में डिपॉजिट हो जाना, बहुत ज़्यादा बालों का गुच्छा होना, स्किन में डिम्पल या गड्ढा होना, स्किन के अंदर एबनॉर्मल ब्लूइश या अदर डिस्कलरेशंस होना, यह लक्षण बताते हैं कि अंदर स्पाइना बाइफिडा ऑकल्टा या छिपी हुई एबनॉर्मलिटीज स्पाइनल कॉर्ड और रीढ़ की हड्डी में हो सकती हैं, जिसके आधार पर हम आइडिया लगा सकते हैं। इसके अलावा मरीज में पैरों में कमजोरी होना, पैरों की बनावट असामान्य होना, पेशाब एवं मल पर नियंत्रण नहीं होना इत्यादि लक्षण बच्चे में हो सकते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो जन्म के समय बिल्कुल सामान्य होते हैं, लेकिन जैसे जैसे बच्चे की ग्रोथ होती है तो फिर लक्षण आना शुरू होते हैं, जैसे कि पैरों की बनावट असामान्य होते जाना, पैरों में कमजोरी होते जाना, सूनापन होते जाना पैरों में, इसके अलावा मल एवं मूत्र पर जो नियंत्रण, जो कि पहले अच्छे से हो रहा था, उसका खराब होते जाना एवं मल मूत्र की जो प्रक्रिया है उस पर नियंत्रण बिगड़ते जाना, यह सब लक्षण यह बताते हैं कि बच्चे के अंदर स्पाइनल कॉर्ड मालफॉर्मेशन या स्पाइना बाइफिडा हो सकता है।
तो इन लक्षणों को देखने पर हमें सावधान हो जाना चाहिए एवं बच्चे की जांच करानी चाहिए। स्पाइना बाइफिडा का पता लगाने के लिए जो जांचें हैं वो निर्भर करती है स्पाइना बाइफिडा के प्रकार पर एवं किस स्टेज पर हम इसका पता लगाने जा रहे हैं। जैसे कि स्पाइना बाइफिडा का सबसे जो पहला एवं जो ज़्यादा खतरनाक रूप जिसे हम मानते हैं ओपन स्पाइनल ट्यूब डिफेक्ट, इनका गर्भावस्था के दौरान ही पता लगाया जा सकता है एवं गर्भावस्था के दौरान पता लगाकर समुचित उपाय जो हैं इनसे बचने के वो शुरू किए जा सकते हैं। गर्भावस्था के दौरान हाई रिजोल्यूशन अल्ट्रासाउंड, मैटरनल MRI, मैटरनल सीरम अल्फा फिटोप्रोटीन एवं एमनियोसेंटेसिस, ये टेस्ट होते हैं जिनके द्वारा कि हम गर्भावस्था के दौरान ही बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स का पता लगा सकते हैं। इसके अलावा बच्चे के जन्म के बाद MRI, सिटी स्कैन, एक्सरेज, डिफरेंट काइंड ऑफ जैसे पेशाब की प्रक्रिया में रुकावट के लिए यूरोडायनेमिक स्टडी, ये टेस्ट हैं जिसके द्वारा हम बच्चे में बीमारी एवं उसकी सीवियरिटी का पता लगा सकते हैं। स्पाइना बाइफिडा का इलाज निर्भर करता है स्पाइना बाइफिडा के प्रकार पर एवं किस स्टेज पर हम इसका पता लगा सकते हैं। जैसे कि अगर गर्भावस्था के दौरान ही हम इसका पता लगा लेते हैं और हमें यह पता लग जाता है कि बच्चे के जो डिफेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं जिससे कि बच्चे का आगे सामान्य जीवन बहुत ही कठिन होगा, तो ऐसे बच्चे का गर्भपात कराना हित में रहता है, तो माता पिता की उचित काउंसलिंग कर बच्चे का गर्भपात समय रहते कराया जा सकता है ताकि एक बहुत ही असामान्य बच्चे को जन्म देने से बचा जा सके एवं उससे होने वाली कठिनाइयों से बचा जा सके। गर्भावस्था के दौरान न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का पता लगने पर इंट्रायूट्राइन सर्जरी द्वारा बच्चे के जन्म से पहले भी ऑपरेशन द्वारा इस विकार का इलाज किया जा सकता है, लेकिन अभी यह इसकी उपयोगिता बहुत ही सीमित है। स्पाइना बाइफिडा एक ऐसी बीमारी है जिसके की दर में बहुत ज़्यादा कमी आई है, क्योंकि इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है माता में जागरूकता द्वारा फॉलिक एसिड को प्रचुर मात्रा में दिया जाना। आज फॉलिक एसिड इसका एक महत्वपूर्ण कारण के रूप में फॉलिक एसिड की कमी का होना पाया गया है एवं इसे वर्ल्ड वाइड जो गर्भधारण के दौरान माता को फॉलिक एसिड सप्लीमेंट हम करते हैं उसके द्वारा इसकी दर को बहुत ज़्यादा कम कर दिया गया है। यह इसलिए बहुत ज़रूरी है कि गर्भधारण की अवस्था के दौरान माता जब से बच्चा गर्भ की प्लानिंग कर रही हैं तभी से माता को फॉलिक एसिड सप्लीमेंट दिया जाए। यह बहुत ज़रूरी है इसकी इंसिडेंस को रोकने, विशेष रूप से उन माताओं को जिनके बच्चों में पहले से स्पाइना बाइफिडा हो चुका है या जिन माता एवं पिता में स्पाइना बाइफिडा रोग से ग्रसित हैं उनके बच्चों में स्पाइना बाइफिडा होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उन्हें जब से बच्चा वो प्लानिंग कर रहे हैं तभी से ही फॉलिक एसिड का सप्लीमेंट दिया जाना चाहिए। यह एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है स्पाइना बाइफिडा को रोकने में। इसके अलावा बहुत सारे अन्य कारक हैं जैसे कि माता में मोटापा, डायबिटीज़, स्मोकिंग, इनको कंट्रोल किया जाए जिससे कि बच्चे में स्पाइना बाइफिडा के होने का रिस्क कम किया जा सके। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है सही समय पर गर्भावस्था के दौरान ही स्पाइना बाइफिडा का पता लगाना एवं अगर स्पाइना बाइफिडा बहुत ज़्यादा सीवियर फॉर्म में मौजूद है जिसके कारण की यह संभावना है कि बच्चे की आने वाली जो जन्म के बाद का जो उसकी जीवन है वो बहुत ज़्यादा असामान्य है, बहुत कष्टकारक होगा, तो हम बच्चे को उचित समय पर ही गर्भपात द्वारा निकाला जा सकता है ताकि एक माता पिता एवं उस बच्चे को एवं समाज को आने वाले कष्ट से बचाया जा सके। स्पाइना बाइफिडा के कुछ प्रकार हैं जिनमें कि यदि हम बच्चे को बहुत ज़्यादा विकृतियां होने से पहले ही, बहुत ज़्यादा लक्षण डेवलप होने से पहले ही अगर उचित समय पर बच्चे का इलाज करें, जैसे कि ओपन स्पाइनल ट्यूब डिफेक्ट में जन्म के 72 घंटे के अंदर ही अगर इलाज किया जाए, बच्चे को इन्फेक्शन से बचाया जाए, तो काफ़ी हद तक बच्चे को सामान्य ज़िंदगी दी जा सकती है। इसके अलावा जो क्लोज ट्यूब डिफेक्ट्स हैं, स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा है,
उनमें तो काफ़ी हद तक अगर बच्चे का सही समय पर ऑपरेशन कराया जा सके, लक्षण को शुरुआत में ही पकड़ा जाए एवं बच्चे का उचित इलाज कराया जा सके तो बच्चा काफ़ी हद तक सामान्य जीवन जी सकता है। यह बहुत ज़रूरी है कि हम स्पाइना बाइफिडा से अवेयर होते हुए जितना जल्दी से जल्दी हो सके इसका इलाज शुरू कराएं ताकि बच्चे पे इसके दुष्परिणाम हैं वो कम से कम हो सके और बच्चा सामान्य रूप से सुचारू जीवन जी सके।